किट वेलकम टू उड़ान एकेडमी। आज हम EVS का चैप्टर 6 पढ़ेंगे, फूड। फूड मतलब क्या होता है? खाना। तो वी ईट फूड व्हेन वी आर हंग्री। हंग्री मतलब क्या होता है? भूख लगना। तो जब हम हंग्री होते हैं तब हम खाना खाते हैं। वी ड्रिंक वाटर व्हेन वी आर थर्स्टी। थर्स्टी मतलब प्यास लगना। तो हम पानी कब पीते हैं? जब हमें प्यास लगती है ना। वी ड्रिंक वाटर व्हेन वी फील थर्स्टी। उसके बाद हम खाना क्यों खाते हैं? खाना खाते हैं जैसे हमें ताकत मिले, हम हेल्दी रहें, है ना। हमारे लिए खाना क्यों ज़रूरी रहता है? हेल्दी रहने के लिए, एनर्जी के लिए। एनर्जी के लिए हमें रोज़ खाना खाना चाहिए, हेल्दी हेल्दी खाना खाना चाहिए, अच्छा अच्छा खाना खाना चाहिए। ओके, बहुत सारे टाइप के फूड होते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है, जैसे कि राइस। राइस मतलब चावल, मिल्क, है ना। वीट, वीट मतलब गेहूँ, मिल्क मतलब दूध, कर्ड, कर्ड मतलब दही, एग्स, एग्स मतलब अंडे, चिकन, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, घी, ये सब अलग अलग टाइप का फूड होता है जिससे हमें ताकत मिलती है। वी बाय राइस, वीट, रागी एंड दाल फ्रॉम ग्रोसर। मतलब हम किराने की दुकान से पूरा किराने का खाने पीने का सामान लेते हैं, जैसे कि दाल, चावल, है ना, तेल वगैरह सब हम किराने की दुकान से लेते हैं। उसके बाद हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स कहाँ से लेते हैं? सब्जी मंडी से। एंड दूध कहाँ से लेते हैं? डेयरी से, या दूध वाला आता है डेयरी देने। पर ये सब फूड आता कहाँ से है? तो प्लांट्स से और एनिमल्स से। प्लांट्स से क्या क्या मिलता है हमें? प्लांट्स हमें फूड देते हैं जैसे कि चावल, दाल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिर्च मसाले, तेल। ये सब कहाँ से आता है? प्लांट से आता है, जो कि फैक्ट्री में जाके फिर बनता है। ओके, उसके बाद हमें एनिमल्स से मिलते हैं अंडे, एग मिलता है, मीट मिलता है, फिश। ये सब कहाँ से मिलते हैं? एनिमल्स से। तो हमें फूड कहाँ कहाँ से मिलता है? प्लांट्स से और एनिमल्स से। ओके, अब हमें दिन में 3 इम्पॉर्टेंट मील्स होती हैं। 3 बार बहुत अच्छे से खाना खाना चाहिए, जैसे सुबह ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता। उसके बाद लंच, दिन में हमें दिन का खाना खाते हैं ना, उसे लंच बोला जाता है। तो हमें अच्छे से ब्रेकफास्ट करना चाहिए, लंच करना चाहिए, और डिनर, डिनर मतलब शाम का खाना। तो हमारे दिन में 3 प्रॉपर मील्स होनी चाहिए। कौन कौन सी? ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। अब गुड फूड और बैड फूड। गुड फूड मतलब अच्छा फूड जो हमें एनर्जी देता है, ताकत देता है। हमें प्रॉपर पका हुआ खाना खाना चाहिए, बासी खाना, स्टेल फूड नहीं खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा तला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। हमें हेल्दी हेल्दी खाना खाना चाहिए। जंक फूड मतलब कि आइसक्रीम, सोडा, कोला, केक, बिस्किट, मैगी, ये सब जंक फूड होते हैं जिससे हमारी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो हमें ये जंक फूड नहीं खाना चाहिए, हमें हेल्दी हेल्दी खाना खाना चाहिए जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिले, ताकत मिले। हमें सही टाइम पे खाना खाना चाहिए, हाथ धोना चाहिए खाना खाने से पहले, एंड बहुत ज़्यादा मुंह में नहीं भरना चाहिए, छोटे छोटे कोर खाना चाहिए, धीरे धीरे खाना चाहिए, अच्छे से चबा के खाना चाहिए। बहुत सारी वेजिटेबल्स, फ्रूट खाना चाहिए, तला हुआ खाना, फ्राइड फूड नहीं खाना चाहिए बहुत ज़्यादा, है ना। और खाना खाते टाइम बात नहीं करना चाहिए, प्रॉपरली खाना खाना चाहिए, मुंह से गिराना नहीं चाहिए खाने को, और खाना खाने के बाद माउथ वॉश करना चाहिए। खेलते खेलते खाना नहीं खाना चाहिए, टीवी देखते भी नहीं खाना चाहिए, और दिन में बहुत सारा पानी पीना चाहिए। ये होती हैं हेल्दी फूड हैबिट्स, अच्छी अच्छी फूड हैबिट्स होती हैं ये। ओके, अब हम यहाँ पे फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। पूछा गया फूड कुक्ड इन हॉट ऑयल, गर्म तेल में तले हुए खाने को क्या बोलते हैं? तला हुआ खाना होता है ना, उसे कहा जाता है फ्राइड फूड। उसके बाद बासा खाना होता है, जो रखा हुआ पुराना, उसको क्या कहा जाता है? स्टेल फूड्स, स्टेल। फिर टू वॉश विद वाटर, धोने को क्या कहते हैं? रिंस। फूड दैट वी ईट एट नाइट, नाइट को क्या खाते हैं हम लोग? रात में डिनर, रात का खाने को बोला जाता है डिनर। फूड दैट इज मेड विद लॉट्स ऑफ शुगर, शक्कर वाला मीठा खाना, उसको क्या बोला जाता है? स्वीट्स। स्वीट्स मतलब है ना मिठाई होती है ना मीठी, उसे बोला जाता है स्वीट्स।